नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे स्पॉन्सर आहे बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला। आपला वराड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई श्री रामनवमी, बड़ा राम मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। रामनवमी के चलते शेगांव में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तगड़ा बंदोबस्त तैनात। कारंजा मानोराम मार्ग पर दो बाइक के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में दो की हालत गंभीर। धारेल गांव में उत्साह से मनाया गया शिव पार्वती विवाह, विवाह समारोह देखने हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्री रामनवमी के चलते शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा, शोभा यात्रा का आरआरसी चैनल पर सीधा प्रसारण, हजारों दर्शकों ने लिया लाभ। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ श्री रामनवमी मनाई गई। तिलक रोड पर स्थित बड़ा राम मंदिर समेत अन्य राम मंदिरों में रामनवमी के चलते विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तिलक रोड परिसर स्थित श्री बड़ा राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन अत्यंत उत्साह व भव्य दिव्य तरीके से मनाया गया। सुबह 11:55 पर वेद पाठी ब्राह्मणों की उपस्थिति में तथा मंत्रोपचार के जाप में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बाल श्री राम के लिए मंदिर में एक पालने को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मंदिर में उपस्थित महिला भक्तों ने इस अवसर पर पालना गीत गाकर भगवान श्री राम के आगमन का स्वागत किया। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान जी की मूर्ति को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस तैनात की गई थी। मंदिर के बाहर हार, फूल, प्रसाद, रेवड़ियां, रामफल, दौना, खिलौने आदि की दुकानें लगी थी, जिन्हें खरीदने के लिए मंदिर में दर्शन लेने आए नागरिक भीड़ कर रहे थे। वहीं पूरे मंदिर पर आकर्षक बिजली की रोशनी की गई थी, जिसके चलते रात के समय मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ गई थी। वहीं दूसरी ओर शहर के गांधी चौक परिसर में राम उत्सव समिति की ओर से प्रभु श्री राम का जन्मदिन अर्थात रामनवमी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर परिसर में एक झूले को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नवजात शिशु के जन्मदिन की बधाई की खुशी में गाए जाने वाले आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे गीत यहां उपस्थित महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा गाकर बाल श्री राम के आगमन का स्वागत किया गया। सजाए गए पालने में बाल श्री राम की प्रतिकृति को लाकर रखा गया, तब जय श्री राम के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा था। देखते हैं इसकी एक झलक। श्री रामनवमी के चलते संत नगरी शेगांव में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रामनवमी के अवसर पर श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव में रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। श्री संत गजानन महाराज का आगमन जब से शेगांव में हुआ था, तब से रामनवमी उत्सव मनाने की परंपरा आज भी जारी है। रामनवमी त्यौहार यह संस्थान के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसके चलते शेगांव में प्रभु रामचंद्र तथा श्री संत गजानन महाराज के दर्शन लेने हेतु हजारों का जनसैलाब उमड़ा था। मंदिर संस्थान की ओर से बीती रात से ही भक्तों के लिए मंदिर खुला रखा गया था। सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। सभी भक्तों को जल्द व अनुशासित तरीके से दर्शन मिले, इस उद्देश्य को लेकर योग्य व्यवस्था की गई थी। 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मंदिर परिसर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ प्रसिद्ध कीर्तनकारों के कीर्तन का आयोजन किया गया था। श्री रामनवमी के दिन परभणी के श्री राम बुआ ठाकुर की मधुरवाणी में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक श्री राम जन्मोत्सव का कीर्तन सम्पन्न हुआ।
तत्पश्चात श्री राम जन्मोत्सव का मुख्य समारोह संस्थान की ओर से अत्यंत उत्साह से मनाया गया। रामनवमी के चलते पूरे शेगांव शहर को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था। मंदिर के बाहर तथा भीतर भी भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। मंदिर के बाहर हर प्रसाद, फूल, मूर्तियां, पेड़े, संसार उपयोगी साहित्य, लकड़ी के खिलौने, कुमकुम, रेवड़ियां आदि की दुकानें बड़ी संख्या में लगी थी। रामनवमी के चलते 750 से ज्यादा पालकियों का तथा डिंडियों का आगमन शेगांव में हुआ था। कोरोना काल के बाद शेगांव में यात्रा फिर से पूर्ववत होने के कारण पालकी लेकर आए कुछ वारकरियों ने संतोष व्यक्त किया। आम्ही माऊली वाशिम जिल्ह्यातून प्रति आम्ही सोनखासीतून पालखी आणलेली आहे। माऊली आता कोरोनानंतर आम्हाला पालखी 2 वर्ष आणता आली नाही, तर यावर्षी आम्ही पालखीचा खूप आनंद घेतला। माऊली खूप 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 आनंद आला आम्हाला खूप, आणि पुढे असंच आमचं चालू राहील माऊली। आणि रामनवमीची खूप यात्रा भरली माऊली, यावर्षी 2 वर्ष आम्हाला करमलं नाही यात्रा नसल्याबद्दल, यावेळेस आम्ही खूप आनंद लुटला। सद्गुणांचे ऐश्वर प्रभू रामचंद्र विदर्भ पंढरी श्री संत श्रेष्ठ गजानन महाराज यांच्या मंदिरामध्ये रामनवमीचा उत्सव हा मोठ्या हर्षोल्लासात दरवर्षी साजरा करण्यात येत असतो। आज आपण पाहू शकता मंदिरामध्ये जवळजवळ लाखो भाविकांची मंदी आळी आलेली आहे। येथे गजानन महाराज मंदिरामध्ये दर्शनाकरता भाविकांनी एकच मांदी आळी केलेली आहे। प्रत्येक भक्त जणू गजानन महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्याकरता येथे आलेला आहे। आणि आनंद जो आहे 2 वर्षानंतर कोरोनाच्या नंतर जो भाविकांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला दिसत आहे तो एक वेगळाच आनंद दिसत आहे। जवळजवळ लाईनमध्ये लागल्यानंतर मंदिरात आल्यानंतर 3 तासाचा वेळ येथे दर्शनाकरता लागून राहिलेला आहे। तरी शिस्त आणि स्वच्छता याबद्दल गजानन महाराज मंदिरांचा जो उल्लेख नेहमी होतो ती आज येथे सुद्धा दिसून येत आहे। कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा। वहीं शेगांव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर शेगांव पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में तथा मंदिर के बाहर भी तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। डॉग स्क्वाड द्वारा पूरे मंदिर के भीतर सुरक्षा को लेकर जांच की गई। डॉग स्क्वाड के शेरू नामक श्वान की सहायता से जांच मुहिम पूरे मंदिर परिसर में चलाई गई। शेरू की देखरेख तथा उसके कामकाज के तरीके को लेकर डॉग स्क्वाड इंचार्ज पुलिस निरीक्षक शेख मोबिन खान ने आरआरसी न्यूज को जानकारी दी। रामनवमी याच्या पार्श्वभूमीवर श्री संत गजानन महाराज मंदिर येथील घातपात तपासणी करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। आम्ही दरवेळ गुरुवारी सुद्धा आणि मुख्य ऋषी पंचमी, आषाढी एकादशी आणि रामनवमी निमित्त दरवेळेस आम्ही मंदिर गाभारा आणि मंदिरचा आतील पूर्ण परिसर येथील घातपात तपासणी माननीय श्री सारंगावाड पोलीस अधीक्षक बुलढाणा व अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री थोरात खामगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंदिर परिसराची घातपात तपासणी केलेली आहे। आणि शेरू हा आमच्या पथकाचा मुख्य डॉग आहे, स्फोटक शोधण्याचं तो काम करत असतो। शेरूचं किती वर्षापासून या स्पॉटमध्ये आलेला आहे? जवळपास शेरूला आम्हाला 6 वर्ष झालेले आहे, तो आमच्या डॉगला आमच्या युनिटला आहे 6 वर्षापासून। कारंजा मानोरा मार्ग पर दो मोटरसाइकिल के एक दूसरे से टकराने के कारण दोनों ही चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अमरावती व यवतमाल रेफर किया गया। कारंजा से मानोरा मार्ग पर भगत बिल्डिंग के सामने विरुद्ध दिशा से आने वाली दो मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी भानुदास भगत ने तुरंत गुरुदेव एम्बुलेंस के संचालक अनिकेत भिलांडे को दी, जिसके चलते एम्बुलेंस लेकर मरीज सेवक विशाल डामरे व नवनिर्माण एम्बुलेंस के मरीज सेवक विनोद खोंड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दोनों घायलों को उपचार हेतु उपजिला अस्पताल कारंजा में भर्ती कराया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर होने के कारण निवासी वैद्यकीय अधीक्षक भाऊ साहेब लहाने ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अमरावती जिले के इंदौर निवासी रविन्द्र उम्र 46 अमरावती रेफर किया, जबकि अन्य घायल राजूरा निवासी तानाजी शिंदे को आगे के इलाज के लिए यवतमाल रेफर किया गया, क्योंकि हादसे में दोनों ही घायलों के सिर पर चोट लगी थी। इस दुर्घटना की आगे की जांच कारंजा पुलिस कर रही है। रामनवमी के चलते शहर में निकली शोभा यात्रा का आरआरसी चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसका लाभ घर बैठे हजारों दर्शकों ने लिया।
विगत 38 वर्षों से राजराजेश्वर नगरी में श्री रामनवमी पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से अकोला शहर में दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण RRC नेटवर्क के सिटी लाइव चैनल नंबर 192 पर और GTPL के चैनल नंबर 73 के साथ ही RRC डिजिटल अकोला का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर कहीं भी देख सकते हैं। इस महाकवरेज का सीधा प्रसारण देखने का आह्वान श्री रामनवमी शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश मिश्रा ने किया है। पधारो रामजी कार्यक्रम के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसका संयोजन स्वप्निल रोम ने किया है। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष के नाते मैं अकोला वासियों को जय श्री राम। मैं राम प्रकाश मिश्रा, अध्यक्ष रामनवमी शोभा समिति के नाते, और आदरणीय पितृतुल्य विधायक श्री गोवर्धन शर्मा, सर्व सेवाधिकारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के तरफ से आह्वान करता हूँ कि आज की दिव्य भव्य रामनवमी शोभा यात्रा में अकोलावासी युवा और मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और रामनवमी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम। अकुट तहसील अंतर्गत आने वाले धारेल गांव में शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती विवाह देखने के लिए हजारों श्रद्धालु बाराती बनकर आए थे। देखते हैं इस विवाह समारोह को लेकर विशेष रिपोर्ट। विवाह पत्रिका, बैंड बाजा, तुतारी, सनई चौघड़े, खाने की पंक्तियां, बाराती, किसी भी शादी में इस तरह की निश्चित तस्वीर और दृश्य होता है। इस शादी में भी सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह है महादेव और पार्वती का विवाह। शंकर पार्वती विवाह समारोह की यह परंपरा पिछले 700 वर्षों से अकोला जिले के अकोट तहसील अंतर्गत आने वाले धारेल गांव में प्रचलित है। गांव के आदिवासी समुदाय महादेव कोली आज भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। गांव में हर साल दो नए परिवारों के पति पत्नी और बेटी के माता पिता का सम्मान दिया जाता है। शादी के दिन गांव में हर कोई दूल्हे की बारातियों की सेवा में लगा रहता है। परंपरागत रूप से शिव पार्वती का विवाह संपन्न किया जाता है। शादी के पहले भोलेनाथ जी की पूरे गांव से बारात निकाली जाती है। इस बारात में बड़ी संख्या में बाराती शामिल हो जाते हैं। ढोल ताशे तथा तुतारी लगाकर बारात निकाली गई। वैदिक मंत्रोपचार के बाद मंगलाष्टक गाकर विवाह पारंपरिक रूप से संपन्न हुआ। हालांकि यह पूरी तरह दहेज विरोधी विवाह था, इसलिए लड़के ने दहेज नहीं मांगा, जिसके चलते लड़की के परिवार व रिश्तेदार खुश दिखाई दे रहे थे। महादेवाचं वरपक्ष घोगरे कंपनी आहे। ही जी प्रथा आहे, परंपरा, जुनी परंपरा चालू आहे 600 वर्षापूर्वीपासून, आणि घोगरे कंपनीला साक्षात्कार झालेला तर महादेवाचा, तेव्हापासून ही परंपरा पूर्ण झाली, आणि इंगळे परवीला पार्वतीचा साक्षात्कार झालेला आहे, म्हणून त्यांनी ही दोन्ही प्रथा सुरू केलेली आहे। इस विवाह समारोह को देखने तथा शामिल होने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अमरावती बुलढाणा जिले से भी बाराती व गांव के नागरिक इस विवाह समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। पूरा मंदिर बारातियों से खचाखच भर गया था। आज आम्ही अमरावतीवरून आलो या ठिकाणी, देवादिदेव महादेव यांचं अभूतपूर्व असं लग्न सोहळा या ठिकाणी पार पडत असतो। आमच्या आजी आजोबापासून 750 वर्षापूर्वीपासून या ठिकाणी महादेव पार्वतीचं लग्न मोठ्या थाटामाटात घुगरे आणि इगळे परिवारामध्ये जसं लग्न या ठिकाणी होते, त्याचप्रमाणे या कोळी महादेव जमातीच्या लोकांनी या ठिकाणी ही परंपरा जपलेली आहे, आणि आमच्या आजोबापासून आम्ही या ठिकाणी येतो। तो अगले साल शिव पार्वती विवाह जैसी हमारी प्राचीन संस्कृति का महत्व दिखाने वाली शादी में आप जरूर पधारिएगा। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति अकोला की ओर से श्री राजराजेश्वर मंदिर से लेकर गणेश घाट तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मोत्सव के निमित्त निकले इस शोभा यात्रा में 35 झांकियां तथा 20 डिंडियां शामिल हुई थी। शोभा यात्रा देखने हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। पिछले 40 वर्षों से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर में विश्व हिंदू परिषद श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति अकोला की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामनवमी के अवसर पर आज की युवा पीढ़ी को धर्म, उसी तरह अध्यात्म की प्रेरणा मिले, इसी तरह सकल हिंदू समाज एकजुट हो, इस उद्देश्य को लेकर इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्रा की शुरुआत दोपहर 5 बजे शहर के आराध्य देवत
श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसर से हुई। इस अवसर पर श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश मिश्रा, सभी सेवाधिकारी, विधायक गोवर्धन शर्मा, सभी राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व पार्षद तथा अन्य मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शोभा यात्रा राजराजेश्वर मंदिर से आरंभ होकर जय हिंद चौक, गांधी चौक होकर मार्ग से सिटी कोतवाली परिसर के हनुमान मंदिर में प्रांगण में पहुंची, जहां देर रात शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा के चलते शहर के तिलक रोड, गांधी रोड, खुले नाट्य गृह से लेकर सिटी कोतवाली तक के सभी परिसर में केसरिया ध्वज व पताका लगाकर पूरा परिसर सजाया गया था। इस शोभा यात्रा में आकर्षक रथ पर राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान की वेशभूषा धारण किए श्री राम भक्तों की झांकी, दुर्गा वाहिनी, ढोल पथक, झांज पथक, ढोल ताशे, डेंडी तथा प्रभु श्री राम के चरित्र पर आधारित अन्य प्रसंगों की झांकियां बड़ी संख्या में शामिल थी। जगह जगह रंगोलियां निकालकर एवं सजावट कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शोभा यात्रा मार्ग पर सभी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन की ओर से स्टेज लगाए गए थे। शोभा यात्रा देखने के लिए हजारों नागरिकों की भीड़ उमड़ गई थी, जिसके चलते शोभा यात्रा मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। शोभा यात्रा मार्ग पर विविध खिलौने तथा भेलपुरी आदि की गाड़ियां बड़ी संख्या में लगी थी। वही शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को सामाजिक संगठनों द्वारा चाय व नाश्ते का वितरण किया गया। देर रात तक चली इस शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की अनुचित घटना ना हो, इस उद्देश्य को लेकर जगह जगह तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। कुल मिलाकर जय श्री राम के जय घोष से पूरी राजराजेश्वर नगरी गूंज उठी थी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में कृषि उपयोगी, कृषि औजार, तकनीक व यंत्र मेला व प्रत्यक्षिक का आयोजन किया गया। इस मेला में कई परिसरों के किसानों ने भाग लिया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कृषि अभियांत्रिकी विद्या शाखा के अधीनस्थ अखिल भारतीय प्रकल्प कटाई पश्चात अभियांत्रिकी, तकनीक, कृषि औजार, कृषि व कृषि उद्योगों की ऊर्जा के संयुक्त तत्वाधान में 29 मार्च को तकनीक व यंत्र प्रत्याशिक मेलावा का आयोजन किया गया। इस मेलावा में विविध परिसर के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कुलगुरु डॉक्टर एस आर गड़ाक, श्री विठल पाटिल सरफ, डॉक्टर विलास खर्चे, डॉक्टर डी बी उंदिरवाड़े, डॉक्टर एस आर कालबांडे, डॉक्टर एस बी वड़तकर आदि उपस्थित थे। किसानों की उपज को दोगुना करने के लिए त्रिसूत्री रीत को लेकर मार्गदर्शन किया गया। खेती उपयोगी विविध तकनीक व फसलों के विविध बीज को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कृषि औजार व बुआई यंत्र, दाल मिल बीज, निष्कासन यंत्र, तेल बीज प्रक्रिया केंद्र आदि को लेकर किसानों को उपयुक्त जानकारी दी गई। सार्वजनिक रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से तथा रामोत्सव समिति की ओर से दोपहर शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों राम भक्त उपस्थित थे। चैत्र नवरात्रि के पावन समापन के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव अकुला समेत समूचे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अकुला में दोपहर के समय रामोत्सव समिति एवं सार्वजनिक रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से रामनवमी के उपलक्ष में शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों राम भक्त उपस्थित थे। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख, श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राम प्रकाश मिश्रा, शिवसेना के उपजिला प्रमुख राजेश मिश्रा, जिला प्रमुख गोपाल दातकर आदि की उपस्थिति में इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर जय श्री राम के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा था। शोभा यात्रा में एक आकर्षक जीप पर भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा राम सेवक हनुमान की वेशभूषा धारण किए बालकों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली सिटी कोतवाली चौक पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस अवसर पर हाथों में केसरिया ध्वज लेकर तथा श्री राम नाम का जय घोष कर राम भक्तों ने एक ही जल्लोष किया। अकुला रेल स्थानक पे चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने वाली मां बेटी की जान प्लेटफॉर्म पर उपस्थित वेंडर तथा अन्य यात्रियों ने बचाई, जिसके चलते रेल स्थानक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारतीय रेलवे से हर रोज लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच जरा सी लापरवाही बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। ऐसा ही एक हादसा अकुला रेलवे स्टेशन में होते होते टल गया। अकुला रेल स्थानक में एक मां बेटी चलते ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसे का शिकार होते होते बच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख कोई भी परेशान हो जाएगा।
दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब एक माँ और बेटी अमरावती से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बेटी तो आराम से बोगी में चढ़ गई, लेकिन जब महिला ट्रेन में चढ़ रही थी तो उसका बैलेंस अचानक बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच फंस गई। ट्रेन चलने लगी थी, इस वजह से महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच घसीटती गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को देख वहां उपस्थित वेंडर व अन्य यात्रियों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। मां के साथ हुए इस हादसे को देख बेटी ने भी चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर कूदने के कारण उसे मामूली चोटें आई हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना बुधवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रात 8:30 बजे हुई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आरआरसी डिजिटल अकोला। दुनिया में कहीं भी देखिए आरआरसी डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।